दोनों भी चले जाएंगे थोड़ी देर में ऑफिस। मैं तो कह रही थी कि आराम से रहते, रेस्ट करते यहाँ शाम को, तो सोचती चाय नहीं पीना है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी देखिए हमने कर लिया है जुम्बा और भी चल रहे हैं घर की तरह। दोस्तों आज सुबह में भी इतना ठंडा था बहुत ज़्यादा करके, इतनी हवा चल रही थी। कल से ही बहुत मौसम चेंज हो गया, लेकिन अभी देखिए 8:15 हो रहा है और धूप निकल आई है, लेकिन इतनी तेज़ धूप नहीं निकलती जितनी आज निकली है। तो वही ठंडे के चलते शायद दिन में सही रहेगा, फिर शाम को फिर ठंडा पड़ेगा। अरे हमने और फिर यही आए आज बस, मोनिका भाभी आई नहीं है, वो नाश्ता बना रही है। देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, और आने के बाद मैं देखिए मैं भी ब्लैंकेट में आ गई हूँ इन लोग के साथ में, और ये दोनों जग गए, लेकिन इन लोग का उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और बस मुझे भी बोले कि यहीं आ जाओ, लेट जाओ घर के, तो मैं भी लेट गई उनके साथ में। हेलो दोस्तों को बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग झारखंड, गुड मॉर्निंग हमारी स्ट्रीट, गुड मॉर्निंग स्ट्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों ये देखिए सोनू आज पिकनिक पे जाएंगे, और वो भी हमारे बिना, तो इनको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला, बिल्कुल बेकार रहेगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज मत जाइए। क्योंकि पिकनिक हमारे बिना क्या करेंगे, हम आपके बिना मना लेते, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारा मजा आता है। आप तो सारे जेंट्स जेंट्स होंगे, क्या मजे आएंगे आपको, कुछ भी मजे नहीं आएंगे, एकदम बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम तो थारा भाई, तो इसका मतलब सोनू कैंसिल करने वाले ना आज आप पिकनिक अपनी। नो वे, पिकनिक कैंसिल कैंसिल। नो वे, पिकनिक नहीं है, खाली आउटिंग है। अरे आउटिंग पे बताओ, हमारे बिना जाएंगे क्या अच्छा लगेगा, बोलिए तो आप। जंगल में बैठ के खाना खाना। कोई नहीं, अभी मैं जाती हूँ अपनी बनाती हूँ ग्रीन टी, और फिर ये लोग तो अभी लेटे हैं, तो लेटे रहते हैं मेरा भी, नहीं तो फिर मुझे नींद आने लग जाएगी अभी। और चलिए मिलते हैं दोस्तों। देखिए हम तो काम में लगे हुए थे अभी, एक्चुअली मेरी मशीन में पता नहीं क्यों पानी ना रुक जा रहा है, पानी ड्रेन अच्छे से नहीं हो रहा था, और ये बोले कि मैं देखता हूँ। बुलाए भी थे लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं। तो देखिए सोनू बेचारे लगे हुए हैं काम में। ऐसे हो जाएगा, ये हो गया निकल रहा है। वाह, और पानी डालना पड़ेगा, डालो डालो पानी। देखिए जुगाड़ लगा रहे हैं कुछ कुछ। कहाँ हुआ? हाँ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अरे बाप रे, देखिए कितना कचरा निकला है, तो कितना गंदा हो रहा है, पता एकदम नहीं जा रहा था पानी, अभी अच्छे से जा रहा है। तो सोनू ने फाइनली अपना काम कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, किया है टाइम निकाला है। आदमी काम करते है। देखिए अब कम पानी ड्रेन हो जा रहा है पूरा। ये दोस्तों अभी ये तो बच्चे खेल रहे हैं, मैं अपना बर्तन खत्म कर लूँ, बस थोड़ा सा ही बचा है, फटाफट से फिनिश कर देती हूँ बर्तनों को धोके, और फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर करूँगी खाने की तैयारी, और देखते हैं बैडमिंटन जाऊँगी या मुझे तो मिलते हैं। देखिए मैं क्लब आ गई हूँ, और आए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, लेकिन कोई अभी आया ही नहीं आज। मैं एक्चुअली मोनिका भाभी तो बोल रही थी देखूँगी, पता नहीं है मेरा आऊँगी कि नहीं, और ये अर्चना भाभी वगैरह भी कोई नहीं आई है, तो मैं कि चलो ऐसे ही सर्विस कर लेते हैं, क्या करें, कुछ नहीं है, बस सर्विस करके निकल जाऊंगी। कोई तो आया नहीं, 12:30 हो गया, मुझे 12 बजे आई थी मैं। चलिए फिर दोस्तों अभी सर्विस कर लेती हूँ। दोस्तों अभी देखिए सोनू आए नहीं है, तो बोल रहे थे कि आप अपना खाना वाना खा के सो जाइए, रेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, अभी तुमको तो बहुत टाइम लगेगा। बोलो फिर ठीक है, बाद में बात करता हूँ, बिजी होंगे तो बात ज़्यादा नहीं करी, तो बोले खाना वाना खा लो। तो देखिए मैंने फिर आज बनाई दाल और रोटी, तो फिर अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग पी रहे हैं चाय, और हम हैं अब घर पे, और सोनू भी चले जाएंगे थोड़ी देर में ऑफिस। मैं तो कह रही थी कि आराम से रहते, रेस्ट करते हैं आज शाम को, बच्चे भी चले गए तो टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वो लग गाना गाने गाते ना, फोन नहीं काम करने देता। हेलो। अभी तुरंत आ गया, 10-15 मिनट हुई, 20 मिनट मुश्किल से ज़्यादा आया था, और ये भी फिर बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। बताओ चाय पीने के लिए आए घर पे? नहीं, तो इसलिए आए थे फिर, थोड़ा रेस्ट करने आया था, लेकिन फोन पे इतने आ रहे हैं, रेस्ट कहाँ। ये बता, थोड़ी सी चाय भी सुझ लग गई, सोनू की चाय तो बेड पर गिर गई थी यार। तो मेरा ना एक्चुअली इनका फोन आया, तो उन्होंने ऐसे रखी, और इन्होंने ऐसे फोन रखी, कब मेरा पैर ऐसे रखा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और चाय थोड़ी सी चल की, ज्यादा नहीं। बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चाय फैला दी।
मैं कह रही हूँ आराम से, थोड़ी देर लेटते हैं आराम से, बाद में लेटेंगे। बात पता है कि 10 सुबह से गए हैं जो, कितने बजे गए आज तुम? आज तो जल्दी चले गए ना, 9:15। हाँ आज तो तुम जल्दी चले गए। और क्या कहते हैं आए कितने बजे बताओ जरा? 4:30 के, 4:15। फिर दोपहर में लंच नहीं किया, आज पिकनिक थी। पिकनिक भी कैसी हुई तुम्हारी? खाना खा के आ गए। मैंने तो पहले बोला था हम लोग के बिना जाओगे तो क्या पिकनिक होगी तुम्हारी, कोई पिकनिक नहीं होगी। बस वहाँ गए क्योंकि कोई आ गया था आज। कौन आया था? आए थे कोई आए हुए थे तो उनके चलते ये लोग बिजी हो गए, तो बस कुछ पिकनिक नहीं, बस खाना बना, खाना खा कर आ गए, ये पिकनिक हुई है। बताओ तुम, बेकार पिकनिक। कल होगी पिकनिक तो देखते हैं, लेट्स सी कल अगर शेड्यूल ठीक रहा तो, नहीं तो फिर घर पे आराम से सोएंगे। नो हम जाएंगे घूमने के लिए, जाएंगे फिर कहेंगे। अच्छा ठीक है चलो, ओके। 5 बजे तक नहीं आए तो फिर फोन करी। हाँ दोस्तों देखिए, आज मैंने फोन नहीं किया मुनिका को कि भाई मैं नहीं मतलब आऊंगी नहीं, क्या बोलती डेली फोन करो। प्रिया दोनों प्रिया मना कर दी कुछ काम के चलते। मैं कहा छोड़ो मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाकी इंतजार रहता है। फिर ये अभी बोली आओ आओ करके, तो बोले चलो एक राउंड लगा के आएंगे घूम के ही सही। मैं चलो चलते हैं आगे, और यहाँ आके ध्यान आया देखिए सब्जी मिल रही है। सैटरडे आज भूल गई मैं, ये मुझे बोले थे कल सब्जी तुमको लानी है, मैं नहीं लाऊंगा। ठीक है बाकी है अभी थोड़ी बहुत सब्जी तो रखी है, 2 सब्जी रखी है, देखते हैं। सब्जी लाने भी झगड़ा होता है। मैं अकेले क्यों लाऊं भाई, खाने को तो सब कुछ ही है, मैं अकेले क्यों? चलो कोई नहीं, कोई लेके बल्कि कोई नहीं, फिर मैं ले भी आती हूँ। हाँ। एक बार झगड़ा तो करना पड़ता है। गोभी और शिमला मिर्च मेरे पास अभी रखी है। हाँ। और आलू प्याज टमाटर ये सब तो है ही। ओके चलो देखते हैं, कुछ मिलेगा लेमन होगा तो ले लेंगे, नहीं तो चलते हैं राउंड लगा के फिर घर चलेंगे। क्या चीज़ है? अब नहीं ले रही पालक, इतने की है सब्जी ले रही है, बिना पैसे नहीं थे मुर्गे भाभी डाली हुई थी पैसे, तो हो गया काम आज का, ले लिए थोड़ा थोड़ा। क्या चीज? एक मुट्ठा पालक ले। अरे पालक छोड़ो बड़ी भावी हो जाएगी, मतलब इतना सारा हो जाएगा फिर बनता है नहीं, ठंड में क्या क्या काम करूँ मैं अकेले। पैसे दे दी मौसी को, पैसा चाहिए ही नहीं, बहुत पैसा बोल नहीं रही है आंटी, मौसी के पास इतना पैसा है, क्या करेंगे इतना पैसा, कर लीजिए। मैं तो चालीस दे देती हूँ, मैं तो सोच रही 40 देना है। और बोल रही कि इतना क्यों रख रही है? तो हो गई ज्यादा ही, अभी पी हुई है, यही भी देती तो तुम बोल दी तो और क्या। तो आज देखिए साल में, नए साल में हमारी इशू की होने जा रही है गंजी घोटपूट, क्योंकि ना इसको ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है, तो उसके चलते तो ये बोले के बाला। तो ये बोल रहे थे कि चलो इसको कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो क्योंकि डैंड्रफ निकलेगी नहीं तो अच्छे से कैप वैप लगा के रहेगा। और क्या देखिए इसका बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, सफाई नहीं हो पाता ना सर्दियों में, हमेशा नहाती वो है, इसलिए देखिए भैया आराम से देखें। वैसे तुमने पैसे बचा लिए यार। पैसे बचा लिए जी, तो मशीन मैंने नया मशीन खरीदा है 1000 रुपए का, वो कब काम आएगा? अच्छा वाह, अब इसको ऐसे ही रहने दो। नहीं टकला टकला प्लीज, रुको ना। दोस्तों देखिए इसका पूरा हो चुका है, और ये देखिए डैंड्रफ कितना है, ये देखिए। दोस्तों देखिए इसके कितना डैंड्रफ, कैसा अजीब जैसे दाग से हो रहे हैं देखिए, इसीलिए इसको इतनी खुजली होने लग गई थी ना। हटो साई हटो बेटा, नहीं यहाँ पे तो है ही नहीं, ये देखो बेटा बहुत देखिए कितनी फुंसी टाइप की हो रही है, दिखाओ दिखाओ, ये देखो सब नीचे करो, ये देखो यहाँ दिखाती हूँ फोन में, मुझे दिखाओ मुझे मेरी तरफ, ये देखिए दिख रहा है ना आपको दोस्तों, ये देखिए कैसा व्हाइट व्हाइट इसका हो रहा है। तो अभी इसका ये गंजी तो हो ही गई है, अब को नहा लेते, पानी मैंने लगाई दिया था तो नहा लेता है, ये साफ हो जाएगा थोड़ा सा, और ये सब सफाई कर लेते हैं। अभी आपने देखा ईशू का ना बाल कट गया है पूरा, अच्छे से हो गया है, अभी ठंडे तो क्या करेंगे, और इतना उसका डैंड्रफ जो हो रहा है इसके चलते तो कटा दिया ज़रा बाल के, चलो ठीक है आराम से कैप वैप पहन के रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों कल हमारी पिकनिक भी है, तो फिर पिकनिक के लिए भी रेडी रहना ही रहना है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं कर देती हूँ यहीं पर एंड, होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।